हेलो नमस्ते। चलिए आज हम लोग बनाते हैं पोहे और कौन का कटलेट, तो आप लोग भी साथ में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये फटाफट से बन जाता है। तो एक बर्तन में हम डालेंगे एक कटोरी पोहा। पोहा डालने के बाद उसमें पानी डाल देंगे, एक गिलास पानी डाल देते हैं। फिर इस तरह से हाथ से मसल करके इसे हम धो लेंगे, इसे पोहा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। चलिए इसका पानी निकाल लेते हैं। अच्छे से पानी निकालने के बाद चलिए इसमें डाल देते हैं कॉर्न। ये कॉर्न बॉईल किया हुआ पहले से है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आलू। 5 मीडियम साइज के हमने आलू बॉईल करके पहले रखा था, तो चलिए इस तरह से इसे घस देते हैं। तो सारे आलू को देखिए हमने यहाँ घस लिया है। इसमें डाल देते हैं बारीक कटे हुए प्याज। 2 प्याज को बारीक बारीक काट के डाल रहे हैं हम। बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, बारीक कटे हुए हरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 4 मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे इसे। देखिए अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। चलिए अब इसका शेप दे देंगे। थोड़ा सा सूजी डाल देते हैं उस पर, जिससे कि शेप देते टाइम ये चिपके ना। तो देखिए हम इसे हार्ट शेप में बना रहे हैं। इस तरह से शेप दे देंगे इसे हम दबा करके। जितना बनेगा उतना बना लेंगे एक साथ। अगर आप लोग को शेप दे के नहीं बनाना है तो आप लोग गोल गोल करके हाथ में दोनों हाथ से दबा करके बना सकते हैं, छोटे बड़े कोई भी साइज में। लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए हमने बनाया इस तरह से। तो सारे को हम निकाल लेंगे। चलिए अब इसे बनाते हैं। डीप फ्राई तो नहीं करेंगे, तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। सारे कटलेट को डाल देते हैं इस तरह से, जितना कढ़ाई में जगह है। अगर आप लोग शेपर से नहीं शेप देना चाहते हैं तो हाथ पे ठोकने में सूजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी ठोक सकते हैं पानी लगा करके। इसे बनाते टाइम हम आंच को धीमी आंच पर ही रखेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए। चलो इसे पलट लेते हैं। जो एक्स्ट्रा 1-2 कोन था वो भी बाहर आ गया है, कोई बात नहीं, उसे निकाल लेंगे। देखिए दोनों साइड से हो गया है, चलिए निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से दोनों साइड ब्राउन कलर हो गया है, तो सारे को इस तरह से निकाल लें। इसे आप लोग हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, तो खा लीजिए। देखिए कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बन के तैयार है हमारा कॉर्न पोहा कॉर्न कटलेट। देखिए खा के कितना स्वादिष्ट बना है।